जुल्म इसराइल कर रहा है, फलस्तीनी नहीं कर रहे। 30,000 लोग मारे गए मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है उनके पास। बहुत ही दर्दनाक सच बयां किया असदुद्दीन ओवैसी ने। पिछले 4 महीने से इसराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, जिसमें नादान बच्चे, औरतें और बूढ़े मारे जा रहे हैं। पिछले 4 महीने में गजा की 20 लाख आबादी में से 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, उनको अपने घर बार छोड़ना पड़ा है। फिर भी हमारे दुनिया के जो लीडर्स हैं इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। साउथ अफ्रीका ने इस पर आवाज़ उठाई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुँच गया। अब उसकी सुनवाई हो रही है। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ बातें की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। करना चाहता है, हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार तो उनकी मदद फरमा दे, उन मासूम फलस्तीनियों की मदद फरमा दे। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ममालिक के सरबराह हैं, जो अपने ऐशो आराम की जिंदगियां गुजार रहे हैं, अरे मेरे नबी का सदका है कि तुम्हारी जमीन में तेल निकला। अगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ममालिक का, और हम अपने ही मुल्क के जिम्मेदारों से, सरबराहों से, हुकूमत करने वालों से कह रहे हैं कि साथ दो फलस्तीनियों का, ये इंसानियत का साथ देने के बराबर है। जुल्म इसराइल कर रहा है, फलस्तीनी नहीं कर रहे। 30,000 लोग मारे गए मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है उनके पास। और इसराइल क्या कर रहा है, गाजा में जो समंदर है उस समंदर के नीचे गैस है, तो इसराइल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि गाजा में उस समंदर से गैस निकाला जाए, और इसीलिए मार रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नॉर्वे और इसराइली हुकूमत के जुल्म को बयान कर रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत भी आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तारीख रही, इस मुल्क की अजीब तारीख रही कि हमने हमेशा कोलोनियलिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की। बिल्कुल सही कहा ओवैसी जी ने, ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए, जैसे भारत अभी तक देता आया है। मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ, अपार्थेट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो भारत आने वाले वक्त में विश्वगुरु कैसे बनेगा। आपकी इस विषय में राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल प्लैनेट बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।